भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान का दौरा किया और राज्य की बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान शाह ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत पाने के लिए कई नसीहत दी। उन्होंने नेताओं को चेताते हुए एकजुट रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सरकार है तो सब है, नहीं तो हवलदार भी सैल्यूट नहीं करता। शाह ने नेताओं से कहा कि वे अहंकार छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुध लें, क्योंकि चुनाव में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ही जीत दिला सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं में से अगर हर कार्यकर्ता 3 लोगों को वोट भी पार्टी के पक्ष में करवा सकता है तो सरकार बन जाएगी। इसके अलावा शनिवार को अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से 18 घंटे काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा में जीत पाने के लिए प्रतिदिन 18 घंटे काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं और सरकार द्वारा किए गए काम के बारे में उन्हें जानकारी दें। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।